करेंगे। हरदोई में रिश्वतखोर फार्मासिस्ट पर कार्रवाई हुई है, सीएमओ ने सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। महिला से मेडिकल रिपोर्ट बनाने के एवज में रिश्वत ली, रिपोर्ट मनमाफिक न बनने पर महिला ने हंगामा काटा। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो को संज्ञान में लेकर फार्मासिस्ट पर कार्रवाई हुई है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। देखो डॉक्टरी कराना है तो रुपया मांगे हमसे 2000, और हमारे 2000 ना है तो फिर 500 रुपया हमसे ले, तो जाकर ही सवेरे 1500 रुपया दिए हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर हम सवेरे तब रुपया दही नहीं रहे, बहुत पैसे सुनी तब रुपया हमारे वापिस करे, तब से कार्रवाई सुनवाई। तो 500 रुपये वापस किए? हाँ 500 रुपये वापस किए। किसने वापस किए? देखो डॉक्टर ने। प्रथम दृष्टया देखने पर, वीडियो और पूछताछ करने पर ये हुआ कि ये वही फार्मासिस्ट हैं जो वहाँ पर पोस्टेड हैं, तो तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया उनको दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है और 15 दिन में जांच के बाद उनके ऊपर और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के बहादुरगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। खबर है कि बचपन के साथी को शादी का निमंत्रण कार्ड देकर बारात में ना ले जाना भारी पड़ गया, क्योंकि दुल्हे के खिलाफ उसके ही दोस्त ने 50 लाख का कानूनी नोटिस भेज दिया, क्योंकि वादा था कि बारात 5 बजे निकलेगी, इसलिए सभी दोस्तों को 4:50 पर पहुंचने की जानकारी दी गई, लेकिन दोस्त की बारात पहले निकल गई और उसके सभी दोस्त छूट गए, जिससे नाराज दोस्त ने अपने ही दोस्त के खिलाफ 50 लाख का मानहानि का नोटिस भेज दिया है, जिसमें 3 दिन के अंदर